कोटा ब्लड बैंक में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस मुहिम के तहत 10,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने की योजना है। मोर्चे ने किया है, प्रशंसनीय है। इससे जो ब्लड बैंक में खून की जो रेगुलर डिमांड रहती है, इसकी पूर्ति करेंगे और कोटावासियों का हमेशा इस मामले में जज्बा रहा है ब्लड डोनेशन का। जो कोटा में के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं रही, इसको संभावित कमी को देखते हुए हाड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांकला, उनके नेतृत्व में लोगों को मोटिवेट करने का जो बीड़ा उठाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो इस चीज़ के लिए कि ब्लड डोनेट करें अपना, ताकि थैलेसीमिया के बच्चों को स्पेशली, बाकी अन्य जो एक्सीडेंटल केसेज है उनको या अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को ब्लड की किसी भी सूरत में कमी नहीं आए। कोटा में ब्लड डोनर्स एक जुनून की तरह डोनेट करते हैं, इसलिए ये पिछले 3 सालों में नंबर 1 रहा है। जब भी थोड़ी बहुत रिलेटिव कमी आई है, संस्थान आगे आए हैं और इस बार हाड़ौती विकास मोर्चा ने जो ये बीड़ा संभाला है, सांखला जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।